लांग 5 किलोमीटर दूर है और आसाम का सबसे नज़दीक टाउन मारघेटा यहाँ से 36 किलोमीटर दूर है। आइए आपको मैं आज श्री रंगफरा विद्या निकेतन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का एक प्रोजेक्ट स्कूल है तो उसको हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। नीचे आप ये चाय बागान है पहाड़ी, ये भी पहाड़ी पे बना वाला एक चाय बागान है और इस चाय बागान के ऊपर ये रंगफरा का रंगफरापुरम एक पहाड़ पे है। इसी रास्ता से आप आसाम से आएंगे मारघेटा से और ये सीधा चांगलांग को जाएंगे, यहाँ से 5 किलोमीटर, और इसी का ऊपर में ये रंगफरा विद्या निकेतन विद्या भारती का एक मॉडल प्रोजेक्ट स्कूल। आइए। नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वणक्कम। आइए, आप वीडियो में इतना देर तक बने रहे तो अभी अंदर चलते हैं। ये रंगफरापुरम का रंगफरा विद्या निकेतन का ये गेट है, कुछ ऐसे तो नहीं लिखा है लेकिन लिखा जाएगा बहुत जल्दी। तो ये उनका प्रवेश द्वार है बादशोरा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है, तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में कमेंट्स भी कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए और प्रोत्साहन मिलेगा मेरे को। ये एक नया बिल्डिंग बना है तो चलते हैं देखते हैं क्या है। ये जो दो होल है इसमें, एक होल नीचे में है, एक होल ऊपर में है, तो संभवतः इसमें प्रशिक्षण इत्यादि कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। यही हॉल है जिसको हमने सामने से दिखाया था, ये क्लासरूम से, इस क्लासरूम पे अभी चलेंगे हम लोग ऊपर में, ये हॉल दो हॉल के ऊपर में क्लासरूम से, ये हम लोग क्लासरूम से जाएंगे। यहाँ चारों तरफ बिजली का प्रबंध है, रात को करंट अच्छा से आता है। अपना स्कूल का विद्यालय का जेनसेट है, इको जेनसेट है, जेनेटर है, चिंतम नास्तु। क्लासरूम्स हमको प्रधानमंत्री का रेसिडेंस मिलेगा, प्रधानमंत्री का रेसिडेंस, वाह, नॉट प्रधानाचार्य का रेसिडेंस। चलिए, स्कूल बस, प्रधानाचार्य का अपना व्हीकल और वो हॉल सामने प्रिंसिपल क्वार्टर। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस ऑडिटोरियम में, हॉल में उनका मॉर्निंग असेंबली प्रेयर यहीं होता होगा। और अभी प्रधानाचार्य का और इस ऑडिटोरियम को छोड़ते हुए ऊपर चलते हैं, ऊपर में भी कुछ भवन है बिल्डिंग से, उसको देखेंगे क्या क्या है। ऐसे पहाड़ पे आपको चढ़ते जाना है, रास्ता सीमेंटेड है, अच्छा है। यहाँ पे हॉस्टल है, ये बॉयज़ हॉस्टल है और उसके साथ में डाइनिंग हॉल है। प्लेग्राउंड बोल के संभवतः इसी समतल भूमि को इस्तेमाल करते हैं बच्चे खेलने कूदने के लिए। देखिए, हम लोग बात करते करते कितने ऊपर तक आ गए हैं, ये पहाड़ है देख। ये सामने गर्ल्स हॉस्टल, उसका वॉशरूम वगैरह है गर्ल्स हॉस्टल। चलिए चलते हैं देखते। रानी गाइडिन लियू गर्ल्स हॉस्टल, गोरसिया एजुकेशन सोसाइटी, भुज, डोनेटेड, कच्छ, गुजरात। ये आपका नाम बता दीजिए। विशाल सुनार है। विशाल सुनार, सारथी, सारथी हूँ। ये डाइनिंग, डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल, बच्चे बैठ के खाना खाएंगे। ये सामने जो दिखाई दे रहा है भवन, ये है
बॉयज हॉस्टल, बॉयज छात्रावास, भगत सिंह छात्रावास। ये जो छात्रावास है, सबसे पहला बिल्डिंग इसी को बनाया गया श्री रंगभरापुरम में। मेरे को याद है ये 1998 के आसपास ये बिल्डिंग बन गया था, और इसी में सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स रहते थे, बॉयज हॉस्टेलर्स और टीचर्स। ये एक बिल्डिंग है, ये भी हॉस्टल ही है, देखते हैं। ये दोनों हॉस्टल के रूप में दो हॉल है, ये एक हॉल है और उसका लास्ट में जो है वो वॉशरूम है, ऊपर भी एक हॉल है और वॉशरूम है। तो ये हॉस्टल के रूप में अभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन जैसे स्टूडेंट्स एनरोलमेंट बढ़ेगा तो इसका भी उपयोग किया जाएगा संभवतः। वापस थोड़ा और ऊपर जाएंगे, ऊपर में भी कुछ बिल्डिंग्स है उसको देखेंगे। ऊपर जा रहे हैं और ऊपर, ये कंप्लीट पहाड़ है, बहुत बड़ा शिखर है ऊपर। इसको आप समिट भी कर सकते हैं जो माउंटेनियर्स। इस प्रकार सामने आ पहुंचे हैं हम लोग। ये जो है एक्चुअल क्लासरूम यही होगा संभवतः, तो क्लासरूम्स बहुत ऊपर में है, देखते हैं। आइए, ये एक ऑफिस है, ताला लॉक है। ये क्लासरूम है, नहीं लिखा है कौन सा क्लास है। फर्नीचर बहुत सुंदर, वाओ, ब्लैकबोर्ड भी बहुत सुंदर। बच्चे आए पढ़ाई करे, बच्चे कमती होने से ये भवन का क्या काम बताइए। बच्चे लोग आएंगे डिस्ट्रिक्ट के, सब लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे, यही आशा करते हैं। चलिए, दूसरा साइड में भी है यही क्लासरूम, खिड़की से बिल्कुल आगे बढ़े। इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, और कैसे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये ज़रूर हम सबको ध्यान देना है, आपको देना है, हमको देना है। ऊपर चलते हैं, यहाँ के लोकल स्थानीय समाज को भी देना है कि ये अपना विद्या भवन है। ये ऊपर तला में आ गया, देखिए डेस्क बेंच है, ये साइंस एग्जीबिशन हुआ था कुछ दिन पहले, ताला लोक। ये है एक्चुअल श्री रंगभरा विद्या निकेतन, देख लीजिए कितना ऊपर में आ गया पहाड़। ये बच्चे आ रहे हैं अभी मॉर्निंग स्टडी करके। हॉस्टल क्लासरूम, इस विद्यालय के विद्या निकेतन के वर्तमान प्रधानाचार्य श्री जूट गोकुल कोच है, जो MSc BEd है और एक्सपीरियंस रहे उनको कई करीब 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग प्रोफेशन में, अच्छे प्रधानाचार्य हैं। इतना सुंदर बिल्डिंग तो बहुत कमती विद्या निकेतन का होता है। अभी इस विद्या निकेतन को आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। बच्चे लोग अभी स्टडी आवर से आ रहे हैं।
तो दोस्तों यहीं पे आज का वीडियो ये समाप्त करता हूँ। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इतना देर तक देखे इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर पुनः एक वीडियो में मिलते हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और कौन सा वीडियो